आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और मालिक में, कि एक ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहां तक के हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या सहाबाज ने, या ताइन या तबे ताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी सहाबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। और ये अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ से, कि अगर आप गौर करेंगे, 12 रबी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे भी है, और साथ साथ उनका इंतकाल भी 12 रबी अव्वल में हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 रबी अव्वल उनका डेथ एनिवर्सरी बना रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी बना रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा कहते मकरूम मकरूल्लाहु खैरुल माकरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, कि उन्होंने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किए, एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। तो ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं ईद मिलादुन नबी बनाना, और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे बनाते हैं, ये अलग मजहब है, इस्लामिक मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं।